हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से अपने चैनल में। मिस्र के पैरामिड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मिस्र में बड़े पैमाने पर पैरामिड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैरामिड्स क्यों बनाए जाते थे? दरअसल वहां के सम्राटों के लिए ये एक मकबरे थे जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उनके शवों के साथ उनके खाने पीने की चीजें, सोने जेवरात, वस्त्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो उनके सेवक सेविकाओं को भी साथ में दफना दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उनका राजा कोई देवता का वंशक है और मृत्यु के बाद राजा अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारणा के चलते राजाओं का मकबरा बनाया जाता था और इन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड्स रखा गया। अतः प्राचीन मिस्र में राजा अपने जीवन काल में ही एक विशाल एवं भव्य पिरामिड्स का निर्माण कराता था ताकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जा सके। ये पिरामिड्स त्रिभुजाकार होते थे और इसे बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया जाता था। और इस पिरामिड्स में केवल राजा ही नहीं, रानियों के शव भी साथ में दफनाए जाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।